बारे में हमारे भाइयों को बताएं, किस तरह का गाना है और थोड़ा सा अगर बताएं केमिस्ट्री के बारे में। देखिए रोमांटिक सॉन्ग है, बहुत ही प्यारा गाना है, अगर आप लोग सुनेंगे तो आई एम श्योर कि आप लोग बहुत पसंद आए, क्योंकि मैंने जब फर्स्ट टाइम ये गाना सुना था तो मुझे सुनते ही काफ़ी मज़ा आया था, इसलिए मैंने इसके लिए हाँ करी थी। और केमिस्ट्री की बात की जाए तो केमिस्ट्री तो यार आप लोगों को देख के समझ आएगी, जब आप गाना देखोगे स्क्रीन पे देन यू गाइस विल गेट टू नो कि केमिस्ट्री कैसी है। बट हमें तो शूट करके काफ़ी मज़ा आया, बाकी शालिनी जी आपको बताएंगी कैसा लगा इन्हें। जैसे साबी ने बताया आपको, रोमांटिक गाना है और केमिस्ट्री तब अच्छी होती है जब एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, और साबी ने मुझे डेफिनेटली बहुत सपोर्ट किया है, तो इसलिए हमारा गाना बहुत अच्छे से शूट हुआ है। बाकी जब आप वीडियो देखेंगे आपको समझ में आ ही जाएगा। सभी बहुत ही कलाकार है, क्या सीखा, क्या एक्चुअली कहना चाहूँ तो उसने मुझे पूरे गाने में संभाला ही है, तो उससे बड़ी बात मैं बोल नहीं सकती हूँ। नहीं नहीं इनकी अपनी मेहनत है यार, ऐसा कुछ नहीं। जी सबसे पहले गाना जैसा कि आप सुन ही चुके हैं रोमांटिक गाना है और बहुत ही खूबसूरत गाना है। मैं जो गाना ही गाते आई हूँ उससे डिफरेंट है, और अप्रोच मुझे गाने के लिए वरदान भैया ने किया, और मैंने सुना मुझे बहुत प्यारा लगा, तो मैंने बोला था कि मुझे गाना ही है भैया ये गाना, और मैंने गा ही लिया। गा सकती है, अभी लॉन्च तो हुआ सॉन्ग नॉट रिलीज येट ना, अभी गाना रिलीज नहीं तो गा सकते ना, योर परमिशन। हाँ ठीक है, हाँ प्लीज प्लीज प्लीज। हाँ इस मोहब्बत में ऐसा एक मुकाम आ गया, फिर जुबां पे हमारी तेरा नाम आ गया। तो ये छोटा सा ग्लिम्स है, रिलीज होगा तो फिर पूरा सुनाऊंगी। सर क्या कहना चाहेंगे गाने के बारे में? ये एक्चुअली किसी भी गाने को खूबसूरत बनाने के लिए उस ज़रूरत होती है अच्छे गीत की, संगीत तो बड़ा खूबसूरत रहता है, और इसे लिखा है हमारे साहिल सुल्तानपुरी साहब ने, बहुत ही खूबसूरत लिखा है, उसे मैंने धुन में पिरोया है, और मेरी बहन स्वाति ने बहुत कमाल का गाया है, गाना किसी और मोड पे गया है, और शूट बहुत ही अच्छा हुआ है, ये टीम वर्क है, शालिनी जी, सावी और हमारे डायरेक्टर दोस्त सौरभ जी, इन लोगों ने मिलकर बहुत ही अच्छा काम किया है, तो आप लोग देखेंगे यू विल लव इट। सर एज ए राइटर किस तरह का एक्सपीरियंस रहा, और अगर थोड़ा सा बताएं कि डायरेक्टर सर की तरफ से क्या ब्रीफ था आपको इस गाने के लिए? सर बहुत अच्छा अनुभव रहा, पूरी टीम के साथ, भाभी जी हैं और सर हैं, शालिनी जी हैं, स्वाति जी हैं, वरदान भैया हैं, तो इनके साथ काम करके मुझे मैं समझता हूँ कि एक नई तरह की जो बात होती है वो सीखने को मिलती है, क्योंकि जिन भी कंपोजर्स के साथ आप जब भी नया काम करते हैं तो आपको नया कुछ सीखने को मिलता है। वरदान भैया के साथ बहुत अच्छा अनुभव रहा, और स्वाति जी के साथ तो डेफिनेटली मैं पहली बार मैंने इनके साथ काम किया, मुझे अच्छा रहा। ज़्यादा कह रहे हैं टीम वर्क है, ये टीम वर्क है और ये सबका ही सपोर्ट है इसमें, ऐसा नहीं केवल ऑडियो सपोर्ट की वजह से कि स्वाति जी ने बहुत अच्छा गाया, इन्होंने बहुत अच्छा लिखा, या शायद मैंने बहुत अच्छा कंपोज किया है, जो प्रोडक्शन वैल्यू है, वीडियो प्रोडक्शन वैल्यू है, क्योंकि इस गाने से पहले जो इस गाने की एक्ट्रेस हैं शालिनी जी, उनके साथ मैंने पहले भी काम किया हुआ है, इस गाने में भी उनका बहुत सपोर्ट रहा, और उनके भाई सौरभ जी ने शूट किया है गाना, और इस बार और चार साल लगे हैं कि नए हमारे एक्टर हैं सावी जी, सावी ठाकुर जी, तो आप लोग को बहुत पसंद आएगा। जी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, ही इज़ गुड एक्टर, एंड शालिनी ने भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, एंड जो इन्होंने मेहनत की है वो बहुत कम मोमेंट में वो बहुत जल्दी रिलीज़ होकर आप लोगों को देखने को मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल जी जी, जी वन डे में शूट किया पूरा गाना, ठीक है, और अलग अलग सेट्स थे, एक ही जगह पर अलग अलग सेट्स थे, एंड इस कंडीशन में एक्टर का टैलेंटेड होना बहुत ज़रूरी है, एक्टर को हाई, एक्टर की हाई स्पीड बहुत ज़रूरी है, एंड शाबी तो ऑलरेडी इतने सारे सीरियल शो कर चुके हैं तो कहीं ना कहीं वो स्पीड रही, फिर शालिनी जैसे न्यू थी, फिर दोनों की जो केमिस्ट्री थी उसमें इतना मतलब जोर रहा, इतना एक दूसरे को सपोर्ट किया कि 12 से 13 घंटे के अंदर हमने पूरा गाना शूट कर लिया बहुत ईजी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, पूरी टीम ही कमाल की थी यार, पूरा प्रोडक्शन हमारे डायरेक्टर सर, कोरियोग्राफर हमारे, और शालिनी के साथ तो काफ़ी मज़ा आया यार, मैंने जैसा आपको बताया, आपको गाना जब आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि इनका भी फर्स्ट टाइम था, तो स्टार्टिंग में जब मेरा भी फर्स्ट टाइम था कभी, तो ऑब्वियसली हर कोई नर्वस होता है, कॉन्शियस होता है, लेकिन जैसे ही शूट स्टार्ट होता है और आप एक्टर के साथ सीन स्टार्ट करते हो, उसके बाद धीरे धीरे आपकी वो सारी नर्वसनेस निकलती जाती है,
तो स्टार्टिंग में वो उस चीज़ को इग्नोर करना चाहिए, और शालिनी ने बहुत अच्छा काम किया है। आप लोग गाना देखोगे तो डेफिनेटली यू विल लव इट। आप सुन तो लिए, सुना दिए अपने, एक लाइन तो सुनाई इन्होंने, सो ये गाना बहुत ही प्यारा है। शालिनी जी, जैसे सभी ने कहा कि अच्छा एक्सपीरियंस था आपके साथ जी, बहुत ही जल्दी गाना रिलीज होने वाला है, एक्साइटेड नर्वस, क्या फीलिंग है? नहीं, मैं बिल्कुल नर्वस नहीं हूँ, और मैंने आपको पहले भी बोला कि मेरा बर्थडे है आज, तो मुझे गॉड गिफ्ट है कि आज मेरा पोस्टर लॉन्च हो रहा है, और बहुत जल्दी मतलब मुझे लगता है दिवाली के आसपास हमारा सॉन्ग भी रिलीज हो जाएगा, तो वो हम सब के लिए दिवाली गिफ्ट भी होगा। तो हमारी तरफ से आपको जन्मदिन, थैंक यू। बस मैं यही बोलना चाहूँगी ऑडियंस से कि साबी, मैंने और हमारी टीम ने बहुत मेहनत की है, और साबी ने काफ़ी पहले सीरियल में भी काम किया है, मैंने तो अभी म्यूज़िक वीडियो ही किया है, तो आपने साबी को जैसे पहले प्यार दिया है, तो प्लीज़ साबी और मुझे इस गाने में वैसे ही प्यार दीजिए। थैंक यू सो मच। मैम, गाने के बारे में बताइए, और कैसा एक्सपीरियंस रहा पूरे गाने का, कितने कॉम्पिटिटिव थे, कितना एंजॉय किया? मेरे एक्टर जो है उनका मैं पर्सनल करती हूँ, जो हमारी एक्ट्रेस हैं, और उनके साथ ये मेरा सेकेंड गाना है, एंड शी इज़ अ वंडरफुल आर्टिस्ट। उनके साथ मेरा एक्सपीरियंस हमेशा से अच्छा रहा है। हमारा गाना बुरा बहुत रोमांटिक था, तो हमारे कॉस्ट्यूम्स भी वैसे ही थे, तो उनके साथ वर्किंग एक्सपीरियंस हमेशा से अच्छा रहा है। रही बात हमारे एक्टर की, तो वो बहुत ही कोऑपरेटिव है, उन्होंने बहुत कोऑपरेट किया, हमारे सारे गाने में रोमांटिक था, और जिस तरीके से हमारा हुआ बहुत अच्छा हुआ पूरे गाने। ओवरऑल जब आप इसका रिव्यू देखेंगे तो आपको लगेगा कि हम लोगों ने मेहनत की है। तो गाइस, प्लीज़ ब्लेस अस एंड प्लीज़ डू वॉच अवर सॉन्ग। थैंक यू। आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं सर। सर, आप कुछ कहना चाहेंगे गाने के? मैं इस म्यूज़िक वीडियो में एज एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हूँ, एंड मुझे काम करके बहुत अच्छा लगा, और हम लोगों ने काफ़ी मेहनत किया, पूरे टीम ने मेहनत किया, और ये म्यूज़िक वीडियो बहुत ही अच्छा म्यूज़िक वीडियो है, और सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वॉच इट जब ये रिलीज़ होगा, है ना। इसमें किसी तरह की कमी नहीं रही है, सभी चीज़ें ऑन प्रोसेस पर हम लोगों ने काफ़ी अच्छे से काम किया है। गाना तो बहुत अच्छा है, और मैं शालिनी का पर्सनल मेकअप आर्टिस्ट करती हूँ, और हेयर भी और मेकअप दोनों ही किया, तो बहुत अच्छा था दोनों, मतलब शालिनी भी बहुत अच्छे है, और जो एक्ट्रेस सैबी वो भी बहुत अच्छे है, तो उनके साथ काम करके मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू।